हेलो एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे मैं अपने अंडरआर्म्स के बालों को रिमूव करती हूं। तो ये रहा वीनस का सेंसिटिव टच रिमूवल, वीनस ब्रिज, जिससे मैं अपने अंडरआर्म्स के बालों को रिमूव करती हूं और इसको नीट एंड क्लीन रखती हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे और क्या क्या यूज़ करके अपने बालों को रिमूव करती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अंडरआर्म्स में अप्लाई करती हूँ ऑलिव ऑयल। उसके बाद अच्छे तरीके से ऑलिव ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं वीनस ब्रिज से अपने अंडरआर्म्स के बालों को रिमूव करती हूँ। लकीली मेरे अंडरआर्म्स में जो बाल है बहुत कम है, औरों को बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मेरे बहुत कम है। तो मैं सबसे पहले ऑलिव ऑयल अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं वीनस रेजर से इसको सेव करती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है। इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये उसमें एक जेल बार है, जिससे आप थोड़ा सा पानी से टच करके इसको भी फोम जैसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं ऑलिव ऑयल अप्लाई करती हूँ और अपने बालों को जो है रिमूव करती हूँ। बालों को ऐसे रिमूव करते वक्त आपको थोड़े से पानी का ज़रूरत होगा, आपको एक जार में पानी लेना होगा और आपके जो रेजर है उसको डिप कर लेना होगा, और उसके बाद फिर आपको जो अंडरआर्म्स में है अप्लाई कर फिर से आपको रिमूव करना है, सेव करना है। कुछ 6-7 बार सेविंग करने के बाद जो मेरे बाल हैं टोटली रिमूव हो जाते हैं और ये बहुत क्लीन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा डेटॉल या फिर सेवलॉन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जितना भी है ये एक ब्लेड है तो कोई भी कुछ भी कट लगे ना लगे मैं डेटॉल अप्लाई करती ही हूँ। कट नहीं लगता है फिर भी मैं डेटॉल अप्लाई करती हूँ। तो आप इसको रेजर को कैप हटा के भी और विदाउट कैप और कैप के साथ भी आप इसको क्लीन कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना जो अंडरआर्म्स के बालों को क्लीन करती हूँ, और इससे मेरे बाल जो है थिक और डार्क ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है आप देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा अंडरआर्म्स बाल किस तरीके से मैं रिमूव करती हूँ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस रेजर को यूज़ करना चाहते हो तो आप बेझिझक कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ख़राब चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ अपने ऊपर, तो मैं जो भी ट्राई करती हूँ बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।